नमस्कार, मैं हूं अमनप्रीत कौर। टीवी सेवन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर डीके गोयल से, जो फिजियोथेरेपिस्ट कोर्स हैं, और उनके बारे में बात करेंगे। वो संतोष मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हैं, आईपी यूनिवर्सिटी से, और उनका ऑर्थो, न्यूरो और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी को लेके 20 साल का तजर्बा है। आज हम उनके साथ बात करेंगे सर्वाइकल की, नेक पेन की, पूछेंगे उनसे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है और इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर गोयल, आपका टीवी सेवन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मेरा सभी को नमस्कार। मैं आज आपको गर्दन दर्द और सर्वाइकल के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। ज्यादातर ये भ्रांति होती है कि सारे गर्दन दर्द जो है वो सब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से ही होते हैं, वो ठीक है, बट आजकल जैसे हमारे पास भी कोई पेशेंट आता है तो वो सीधा कहता है जी सर्वाइकल हो गया है। बल्कि सर्वाइकल जो है एक मेडिकल टर्म है, तो गर्दन दर्द और सर्वाइकल दोनों ही डिफरेंट है। अब वो कैसे हैं, दोनों की जो पैथोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस है, तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई भगवान ने हमें गर्दन दी क्यों, तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो हम ज़्यादा अच्छी तरह से उसको हम डिफाइन कर पाएंगे। गर्दन का जो काम है, जो हमारा स्कल है उसको होल्ड करने का, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का, गर्दन को रोटेट करने का, उसको होल्ड करने का, ये सब भगवान ने हमें गर्दन इसलिए दी है कि वो मतलब फ्लेक्सिबल रहे सब कुछ, ये जितना भी है। तो अब उसमें क्या है कि जैसे कि एक आपने एक तंबू देखा होगा, तंबू पर बीच में एक बांस होता है और साइड में रस्सियां लगी होती है जी। तो गर्दन का भी सेम ऐसे ही एक पैटर्न होता है। गर्दन में बीच में स्पाइनल कॉर्ड होती है, साइड में मसल्स होती है। तो अब जो गर्दन के दो पार्ट हो गए एक तरह से कि भाई एक तो बोन वाला पार्ट हो गया और एक हमारा मसल्स वाला पार्ट हो, तो दोनों की हम पैथोलॉजी अलग अलग डिफाइन करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम पहले सबसे पहले जो मसल्स वाला पार्ट है उसको हम देखेंगे कि किस तरह से इससे प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैंने अभी तंबू का जिक्र किया आपसे, तो तंबू में जैसे हम अगर एक तरफ से ही हम रस्सी को खींचेंगे तो तंबू हमारा तनाव में आ जाएगा, टेंशन में आ जाएगा। वो सेम ऐसे ही नेट का भी है, जैसे हम लंबे समय तक हम बैठे रहें एक ही पोस्चर में, जैसे मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, या फिर हम रीडिंग कर रहे हैं काफी देर तक गर्दन को झुका के, तो उसमें जो जिधर की मसल्स, जैसे मैं मान लो अगर राइट साइड में अपनी गर्दन को ज्यादा झुका के बैठा हूँ, लेफ्ट साइड में ज्यादा झुका के बैठा हूँ, तो उधर की मसल्स को सबसे ज्यादा ओवर यूज, हम लोग बोलते हैं कि भाई पेशेंट ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं उसको, तो वो टाइट हो जाएंगी, एक तरह से स्पाजमोटिक हो जाएंगी, तो हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं स्पाजमोटिक हो जाएंगी। तो पेशेंट को वहाँ पे एक अजीब तरह का दर्द, अजीब तरह की जकड़न, इस तरह का फील होगा। अब पेशेंट हमारे पास आएगा तो वो कहेगा सर्वाइकल, तो अब वो चीज एक डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट को देखना है कि सर्वाइकल तो नहीं है उसको, गर्दन दर्द तो नहीं है, तो वो थोरली एक चेकअप से पता लगे। अब हम दूसरा पार्ट बात करें गर्दन का, तो जो बोन वाला पार्ट है, बोन वाले पार्ट में क्या है कि जैसे उसमें भी एज फैक्टर काम करता है। जैसे 50 साल से जो ऊपर के जो पेशेंट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है। अब वो कैसे होगा, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मेनली हम कहें तो हड्डियों का डिजनरेशन और जो लिगामेंट और जो मसल्स है उसपे ज्यादा कहीं टीयर हो गया या कैल्शियम की कमी हो गई, उसकी वजह से कैल्शियम की कमी हो गई, तो उसकी वजह से डिजनरेशन होने लग जाता है हड्डियों में, मतलब हड्डियां घिसने लग जाती है। अब हम कहें ऐसे हड्डियां कैसे विकसित हैं, तो उसका कारण यही होता है कि एज बढ़ने के साथ साथ जो हड्डियों के बीच में डिस्क होती है, हर दो दो हड्डी के बीच में डिस्क होती है, हमारी स्पाइन का स्ट्रक्चर रहता है, तो वो सॉफ्ट एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। एज बढ़ने के साथ साथ वो डिस्क में अंदर फ्लूड होता है, वो थूकने लगता है, उसको हम लोग डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो जब फ्लूड थूकेगा तो वो उसकी जो मोटाई है वो कम होने लगेगी, मोटाई कम होने लगेगी तो नेचुरली जो दोनों हड्डियां पास आने लगेंगी और वो रगड़ खाने लगेंगी, तो वहां से घिसेंगी। एक कंडीशन तो ये होती है, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो जैसे मैंने अभी बताया डिस्क होती है, डिस्क पर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ता जाता है, ऑलरेडी वो डिहाइड्रेटेड है, वो अंदर से फटने लग जाती है, तो उसका जो लिक्विड है वो बाहर आने लगता है। लिक्विड जब बाहर आएगा तो बीच में से
नर्व जहाँ से जा रही है तो नर्व को कंप्रेस करेगा, तो नर्व जब कंप्रेस होगी तो पेन जहाँ जहाँ पे नर्व जा रही है उस एरिया में वो पेन करेगा। जनरली हाथ में काफी नंबनेस फील करता है पेशेंट, या बहुत ज्यादा दर्द बताता है कि काफी शार्प शूटिंग पेन होती है, और खासकर हाथों में झुंझुनी होने लग जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं उसको जी। इस तरह के हम सर्वाइकल रिस्पॉन्स मैकेनिज्म में आते हैं। मुझे लगता है स्क्रीन टाइम का ज्यादा होना भी आजकल सबसे बड़ी वजह बन रहा है इसका, और जो बच्चे बड़े सब फोन को लेके बैठे रहते हैं और उनका जो बॉडी पोस्चर है वो प्रॉपरली सिट डाउन मतलब प्रॉपर नहीं बैठते, उसकी वजह से भी हो सकता है कि आजकल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली यही है, मैं वही कह रहा था कि जैसे आप स्क्रीन पर ज्यादा बैठेंगे, 7-8 घंटे बैठ रहे हैं, गर्दन आपकी नीचे झुकेगी, गर्दन ज्यादा झुकेगी तो जो पीछे वाली जो मसल्स हैं उस पर काफी ज्यादा लोड पड़ेगा, लोड पड़ने की वजह से वहाँ स्पास्म होगा और टाइटनेस होगी, स्टिफनेस फील करेगा पेशेंट, तो वही शुरुआत होती है एक तरह से स्पॉन्डिलाइटिस की, उसी की वजह से होती है। मतलब आज की डेट में अगर हम बात करें तो 60-70% जो प्रॉब्लम है वो पोस्चर की वजह से ही आ रही है। दिन भर मोबाइल पे फेसबुक व्हाट्सअप ये देख रहे हैं हम, नहीं तो अब ऐसा भी नहीं कि आप गर्दन झुकाने की वजह से हो रहा है, आप ऊपर टीवी ज्यादा ऊपर गर्दन करेंगे तो भी आपको दिक्कत आएगी, इम्बेलेंस ऑफ मसल्स की वजह से इस तरह की इशू आ रहा है। पोस्चर इसमें और डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि ये ज्यादा स्पोर्ट्समैन में होता है या नॉर्मली भी जो लोग हैं वो इससे ज्यादा सफर हो रहे हैं? नहीं, स्पोर्ट्समैन तो काफी अवेयर रहते हैं, उनके साथ डॉक्टर्स की टीम रहती है तो उनको पॉसिबिलिटी मैं कहूँगा कि कम रहती है, बट आजकल जो जनरल पब्लिक है उसमें अवेयरनेस नहीं है इसको लेके, हम लोग बहुत ज्यादा लापरवाह हैं, और फिर लापरवाह भी नहीं कहें तो हमारा तो काम ही सारा आजकल लैपटॉप और कंप्यूटर से हो रहा है, तो मजबूरी भी है जिसकी वजह से हम इस बीमारी को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि पहले हम लोग स्टूडेंट्स को बोलते थे कि फोन ज्यादा यूज नहीं करना, पर अभी कोविड के बाद ऐसा हो गया है कि उनको भी ज्यादा जैसे वो करते हैं कंप्यूटर से काम करते हैं लैपटॉप से, और धीरे धीरे अभी फोन पे ही सारे काम होने लगे हैं, तो ज्यादातर बच्चे जो हैं वो बैठ के काम करने की बजाय लेट के जैसे टेढ़े मेढ़े लेट जाते हैं, मुझे लगता है उसकी वजह भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस उनको हो जाता है। तो आप के पास जो पेशेंट आते हैं तो आप उनको क्या रिकमेंड करते हैं? सबसे पहले आप उनको एक्सरसाइज बताते हैं या उनको प्रिकॉशंस लेने के लिए बोलते हैं? नहीं देखिए, सबसे पहले तो हमें उनका असेसमेंट करना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम स्पॉन्डिलाइटिस में कन्वर्ट हुई है नहीं है, या ओनली सरफेस लेवल पे केवल लेग पे नहीं हो रहा है। ज्यादातर केसेस में जो बच्चे आते हैं हमारे पास 25-30 साल के जो बच्चे आते हैं उनको शुरुआत में केवल नेक पे ही हो रहा होता है, सिंपल एक दर्द हो रहा होता है, बट वो काफी सीवियर होता है, उससे बहुत परेशान होते हैं, तो हम उनको यही कहते हैं कि आप अपना पोस्चर ठीक करिए। अब वो फिर हम काउंटर करके ये कहते हैं कि भाई पोस्चर तो कैसे ठीक करें, ये तो हमारी मजबूरी है, ये तो हमें देखना ही पड़ेगा, तो फिर उसमें ये कि इंटरमिटेंट सिटिंग के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप बीच बीच में थोड़ा सा उठ जाएं, जैसे 10-15 मिनट आधा घंटे के बाद थोड़ा उठ जाएं, थोड़ी गर्दन को इधर उधर हिला लें, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लें, दैट्स ऑल, ये सबसे अच्छा एक सॉल्यूशन है इसका। कौन कौन सी एक्सरसाइज, कौन कौन से योगासन आप रिकमेंड करते हैं? जैसे इसमें हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताते हैं पेशेंट को, साइड में हमारे पीछे बैक की साइड में जो ट्रेपेजियस मसल्स हैं उनको हम स्ट्रेच करने के लिए बोलते हैं, जैसे हम इस तरह से इसको हम बोलते हैं कि भाई आप ये स्ट्रेचिंग करो, जहाँ पेन स्टार्ट हो जाता है हमारा रुक जाएगा, ऐसे 10-10 टाइम्स हम लोग दोनों साइड के जो ट्रेपेजियस मसल्स हैं उनको स्ट्रेच करने के लिए बोलते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बताते हैं हम लोग की इस तरह से नेक को हाथ की तरफ प्रेस करना है, द्वार हम जैसे इधर की साइड में प्रेस किया, इधर की साइड प्रेस किया, फोर हेड को हम प्रेस करेंगे, काउंटर पहुंचेंगे, बैक साइड को प्रेस करेंगे। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए जैसे हाथों में कुछ वेट ले लिया और शोल्डर को थोड़ा साइड किया, ये सारी एक्सरसाइज हम ऑफिस में बैठ के या कहीं भी वर्किंग प्लेस पर बैठ के आराम से कर सकते हैं। जैसे जिनकी 9-to-5 जॉब है और वो ज्यादा लैपटॉप पे काम करते हैं वो भी बीच बीच में उठ के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और आराम से वो कर सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि सर्वाइकल से बचा जा सके? प्रिकॉशंस में एक तो मेन तो पोस्चर आपको ठीक रखना है, दूसरा कोई जर्की मूवमेंट्स नहीं करने, जैसे बहुत से लोग आपने देखा होगा गर्दन को बहुत ज्यादा जर्क देते रहते हैं, कुछ जर्की मूवमेंट नहीं करने, अगर थोड़ा पेन बढ़ता है या हाथों में पैरों में कुछ सुनपन ऐसा लगता है कि ज्यादा हो रहा है तो तुरंत अपने फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर
औरतों से तुरंत मिलना चाहिए, वहां जाके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। घर में और ऑफिस में आप सिकाई कर सकते हैं, थोड़ा सा जितना ज्यादा पेन हो रहा है उसी के रेशियो में आप आधा घंटे पौना घंटे आप सिकाई कर सकते हैं, हॉट पेन लगा सकते हैं, उससे काफी रिलीफ मिलता है। तो आपको लगता है कि बिना मेडिसिन के हम लोग इससे बच सकते हैं, या फिर अगर सीवियर नहीं है पेन तो मेडिसिन के बिना भी ठीक हो सकती है, सिर्फ देखिए माइल्ड, एक्सरसाइज या थोड़ा प्रिकॉशंस लेने से? माइल्ड केसेस में तो हम हॉट पैक, आइस पैक और एक्सरसाइज वगैरह से इसको हम ठीक कर सकते हैं, बट ये कि माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में या फिर क्रोनिक केसेस में जो काफी लंबे टाइम से परेशान है उनके लिए फिर हमें इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ते हैं, अकॉर्डिंगली उनको मेडिसिन भी देनी पड़ती है या फिर उनको फिर हमें फिजियोथेरेपी भी करनी पड़ती है। हमारे ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही कहूंगा कि अपना डेली रूटीन वर्क करते रहिए, क्योंकि जो जरूरी है वो करना ही है, बट उसके साथ साथ प्रिकॉशन जो मैंने बताए वो प्रिकॉशन हमें जरूर लिए जिससे प्रॉब्लम ना बढ़े। डॉक्टर गोयल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारी जो